ईयर था 2013, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट सामने आई। हमारी इंडिया की जो रैंक थी वो 65 से 63rd पे चली गई थी। और इंडिया की जो मीडिया थी उस टाइम, उन्होंने वो काम किया था जो उन्हें करना चाहिए था, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्होंने वैसा का वैसा डेटा हमारे सामने रख दिया था और हमको दिखा दिया था। उसमें कोई भी उनका पर्सनल ओपिनियन नहीं था, उसमें किसी भी तरीके से वो गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहा था। बस उनका काम था कि उनको वो डेटा हमारे सामने रखना है और उन्होंने वो रख दिया था। तमाम आंकड़ों पर खुश हो सकते हैं या फिर इस बात पर शर्मिंदा भी कि दुनिया में भुखमरी के शिकार जितने लोग हैं उनमें से एक चौथाई, जी हाँ एक चौथाई सिर्फ भारत में रहते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में भुखमरी के शिकार लोगों की संख्या 84 करोड़ 20 लाख है। इनमें से 21 करोड़ भारत में रहते हैं। 17.5% भारतीय बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। देश में 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे अब भी कुपोषित हैं। कुपोषण की वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर जो है वो 6% है। अब आज 8 साल के बाद फिर से एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है और हमारी जो इंडिया की रैंक है वो 94th से 101st पे चली गई है। तो 94 से 101 पे जाना और भी मतलब इंडिया की हालत गिरती जा रही है, परफॉर्मेंस में कोई सुधार नहीं आ रहा है। इस बार भी इंडियन मीडिया को वही करना चाहिए था जो उन्होंने 2013 में कांग्रेस के टाइम किया था, कि उन्होंने वैसा का वैसा डेटा हमारे सामने रख दिया था। लेकिन इस बार इंडिया के मीडिया के तेवर हम जानते हैं कि बदले हुए हैं। तो इस बार जब ये डेटा हमारे सामने रखा गया तो इंडियन मीडिया का रवैया बिल्कुल ऑपोजिट था। उन्होंने इस बार हमको डेटा दिखाने के बजाय डेटा को दिखाते दिखाते एक बात साफ कर दी कि ये जो डेटा दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली में गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, ये तो इंडिया के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की जा रही है इंडिया को बदनाम करने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जिन्होंने ये रिपोर्ट को रिलीज किया है। भारत में आज के रावण का एक और रूप गरीबी और भुखमरी भी है। वर्ष 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक भारत भुखमरी के मामले में दुनिया के 116 देशों में 101वें नंबर पर है। पिछले वर्ष भारत इसमें 94वें नंबर पर था और इस इंडेक्स का ये दावा है कि इस मामले में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश भी भारत से अच्छी स्थिति में है। यानी इस साल भारत की रैंकिंग गिरी है, भारत का प्रदर्शन खराब हुआ है और इस इंडेक्स में नेपाल और बांग्लादेश 76वें नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान की जो रैंक है वो 92 है। भारत की स्थिति सिर्फ 15 देशों से अच्छी है, लेकिन भारत सरकार ने इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आज पुरजोर विरोध किया है, खंडन किया है और कहा है कि इसे तैयार करने के लिए जो गणना की गई है, जो फॉर्मूला लगाया गया है वो सही नहीं है। दार कर लेता था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पश्चिमी देशों की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं ये समझती हैं कि इनके पास पूरी दुनिया को आंकने का लाइसेंस है। उन्होंने अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स बना के रखे। अब वो जमाना चला गया, ये नया भारत है और अब भारत ऐसी रिपोर्ट्स को और ऐसी संस्थाओं को और ऐसी देशों को अच्छी तरह से वापस जवाब देना सीख गया है। इसलिए पहले आपने सोचा होगा, कभी सुना नहीं होगा कि भारत सरकार ने इस तरह का कभी कोई बात कही हो, लेकिन अब भारत जो है वापस जवाब देता है और इन संस्थाओं को यह भी बताता है कि आपकी रिपोर्ट गलत है। तो हमारी गवर्नमेंट और हमारी मीडिया इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी बड़ी रिपोर्ट पे उंगली कैसे उठा सकती है? दरअसल ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो यूनाइटेड नेशन की किसी बॉडी के द्वारा प्रिपेयर नहीं किया जाता, बल्कि कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो कि आयरलैंड की एक एनजीओ है और जर्मनी की वेल्ट हंगर हेल्प मिलकर ये डेटा को प्रिपेयर करती हैं। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक की डेटा और नेशनल गवर्नमेंट की डेटा का यूज़ करती है। तो हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो सर्वे करते हैं वो काफ़ी अनसाइंटिफिक होता है, इसलिए इसकी ऑथेंटिसिटी पे बिलीव नहीं किया जा सकता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैलकुलेट किया जाता है 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे। पहला है अंडर नरिशमेंट, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन का उतने परसेंट लोग जिनकी कैलोरी इंटेक रिक्वायर्ड वैल्यू से कम होती है। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, यानी कि 5 साल से कम उम्र के वैसे बच्चे जिनका वेट उनकी हाइट के कंपैरिजन में कम है, विच शोज एक्यूट अंडर न्यूट्रिशन। तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, मतलब 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनकी हाइट उनके उम्र के कंपैरिजन में कम है, जिसे क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। चौथा और लास्ट इंडिकेटर है चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, यानी 5 साल से कम बच्चे में मोर्टेलिटी रेट का कंसीडर करना। इन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए 0 से 100 के स्केल के ऊपर कंट्रीज को मार्क किया जाता है और जिसका बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस होता है उसको 0 पे रखा जाता है और जिसका वर्स्ट परफॉर्मेंस होता है उसको 100 पे रखा जाता है। किसी भी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए ताकि हम उस रिपोर्ट पे बिलीव कर सकें। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट तैयार करने के लिए
लिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटर ग्रुप ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन, यूनिसेफ, WHO और वर्ल्ड बैंक से डेटा कलेक्ट करता है। इंडिया की रैंकिंग अपने नेबरिंग कंट्रीज से बहुत नीचे आ चुकी है। हालांकि इंटायर साउथ एशिया का परफॉर्मेंस बहुत बुरा रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, बट इंडिया की रैंकिंग 94 से 101 पर आ गई है और इस रैंक में इंडिया से नीचे सिर्फ 15 कंट्रीज हैं। और सबसे शर्म की बात यह है कि इस वक्त इंडिया से बेहतर पाकिस्तान और बांग्लादेश है। ग्लोबली अफ्रीका और साउथ एशिया ऐसे रीजन्स हैं जिनका परफॉर्मेंस लेवल बहुत ही लो रहा है और हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है उसमें फेलियर देखा गया है। अब क्योंकि मैंने बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे बेहतर है, तो मीडिया कभी भी इस चीज़ को सामने नहीं रखेगा, क्योंकि अगर वो रखेगा दिन भर जो वो प्रोपेगेंडा चलाता है कि पाकिस्तान की कितनी बदतर हालत है, पाकिस्तान कितना पिछड़ा हुआ है, अगर इस इंडेक्स को वो जेन्युइनली सामने रखेगा, क्योंकि अभी वो ये कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट्स हमारे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी है हमें नीचा दिखाने के लिए, अगर वो जेन्युइनली इस चीज़ को सामने रखेगा तो उसे ये भी बताना पड़ेगा कि हम पाकिस्तान से बदतर हालत में हैं। तो अगर वो ऐसा बताएगा तो उनका जो प्रोपेगेंडा है वो खुद ही एक्सपोज हो जाएगा कि देखो तुम कहते थे कि पाकिस्तान की बदतर हालत है, लेकिन ये इंडेक्स बता रहा है कि इंडिया का इंडेक्स में परफॉर्मेंस बुरा है, पाकिस्तान का बेहतर है। तो यहाँ पे मीडिया का प्रोपेगेंडा खुद ही एक्सपोज हो जाएगा। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद जब लोगों ने गवर्नमेंट से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने रिपोर्ट को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने में जिस मेथोडोलॉजी का यूज़ किया है वो मेथोडोलॉजी ही गलत है। इसमें कोई भी साइंटिफिक मेजरमेंट जैसे कि हाइट, वेट, इन सब को कंसीडर नहीं किया गया है, बल्कि टेलीफोनिक एस्टिमेट्स के बेसिस पर इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है। COVID-19 पैंडेमिक के बाद से पूरी दुनिया में हंगर और मेल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई है, जिसे सारे देशों को मिलकर लड़ना होगा। ऐसे भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 10 से 20 सालों में देखा गया है कि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को सुधारा है, लेकिन हमारे देश की बात करें तो इस परफॉर्मेंस को सुधारना है तो दूर की बात है। हम लोग हिंदू मुस्लिम प्रोपेगेंडा को सुधारने में लगे, उसको बढ़ाने में लगे, वायलेंस क्रिएट करने में लगे, हमारी मीडिया झूठ के प्रोपेगेंडा को प्रोपोगेट करने में लगी है, अपने उस परफॉर्मेंस को वो बढ़ाने में लगी है। तो यहाँ पे हमारा पहला गोल ये होना चाहिए कि हमको इसके लिए कोई स्कीम लानी चाहिए, फिर उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये भी नहीं है कि स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाए, इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों के लिए, जिन नीडी लोगों के लिए हम इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करें, उन नीडी लोगों तक ये स्कीम पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, वो ध्यान में रखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, तब जाके हम लोग भी इस इंडेक्स में अपने परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकेंगे। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कॉमेंट में मुझे बताएं कि इसके और क्या क्या बेहतर सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।